हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम और हमारी फसलें कैसे उगाते हैं और फसलों को उगाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, और उसके विषय में जानेंगे। और आप देख रहे हैं कि दो बैल हैं और बैल को किसान हल लिया, हल से जुताई हो रही है। और मिट्टी जो है, आप देख रहे हैं, लग रहा है लाल मिट्टी है। और यह मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। अन्य प्रदेश जो उससे सटे हुए वहाँ भी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि खेतों में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है और किन किन समय पर बोई जाती है, और उन फसलों को बढ़ने के लिए क्या खाद की आवश्यकता होती है। और जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो पुराने प्राचीन काल पहले समय में किस तरह की विधियों द्वारा खेती होती थी और आज क्या खेती की विधि है। सबसे पहले हम चलेंगे मिट्टी के विषय में। मिट्टी जो है चार तरह की होती है। और ये मिट्टी जो है बलुई मिट्टी होती है, जिसमें बड़े बड़े कण होते हैं, बालू की मात्रा अधिक होती है, और उसमें तरबूज, खरबूज, बाजरा आदि बोए जाते हैं। दूसरे प्रकार की मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, और मिट्टी के कण छोटे, बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम होते हैं उसमें, और उसमें गेहूं, चना, मटर, धान के लिए अच्छी फसल मानी जाती है। तीसरे प्रकार की मिट्टी है सिल्ट मिट्टी, महीन कण वाली मिट्टी होती है, और उसमें गेहूं, गन्ना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और चौथे प्रकार की मिट्टी है दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट मिट्टी मिले जुले होते हैं उसमें, और यह धान, कपास और गन्ना के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ आप देख रहे हैं यह जो है फसल है, और ये किस प्रकार की फसल है, इसको खरीफ की फसल बोल कहते हैं। और ये फसलें जो है जुलाई से अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती हैं और जाड़े के प्रारंभ में नवंबर में काट ली जाती हैं। और ये हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि। ये जो देख रहे हैं ये है फसलें जाड़े के आरंभ में बोई जाती हैं और गर्मी के शुरू में अप्रैल में काटी जाती हैं, और ये कहलाती हैं रबी की फसलें। गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू आदि, ये जो फसलें जो रबी की मानी जाती है। ये जो फसलें आप देख रहे हैं ये है जायद की फसलें। इसमें हैं सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि। और ये फसलें गर्मी के शुरू में अप्रैल में बोई जाती हैं और वर्षा के प्रारंभ जुलाई में काट ली जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे पौधा लगा रहे हैं और पानी से सिंचाई कर रहे हैं, यानी पौधे को बढ़ने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोनों तरफ से रस्सी बंधा हुआ है और इसको बेड़ी कहा जाता है, बेड़ी कहा जाता है। और बेड़ी से पहले पानी जो है
खेतों में सिंचाई की जाती थी। यहाँ देख रहे हैं बैल है और बैल घूम रहे हैं और गोल गोल जो है ये जो देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है और पानी बाहर जैसे घूमता है पानी नीचे से ऊपर आता है और बाहर चला जाता है, वहाँ से जो है खेत देख रहे हैं पानी गिर रहा है ऊपर, पानी जो है बाहर चला जाता है। ये पुरानी पद्धति है, पुराने तरीके से ये इसको इसको कहते हैं रहट, रहट विधि द्वारा खेतों की सिंचाई होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घिरनी लगा हुआ है और घिरनी से जो है के माध्यम से खींचा जा रहा है पानी और बाहर जो है निकाला जा रहा है। ये मोट विधि घिरनी विधि कहा जाता है। इन सब विधियों का प्रयोग ज़्यादातर पहले होता था लेकिन आजकल काफ़ी बदलाव हो गया है, उसके बारे में बाद में जानेंगे, आगे देखते हैं। ये जो विधि है ये ढेकली है, यहाँ पर पत्थर बांध दिया गया और ये इसमें लगा दिया गया, कुआं से पानी निकाला गया और इसको कहते हैं ढेकली विधि, ढेकुल या ढेकली। ये देख रहे हैं पानी बूंद बूंद करके फसल में गिरता है और इसको कहा जाता है ड्रिप, ड्रिप सिंचाई, यानी ड्रिप से बूंदों बूंदों गिर के होता है इसलिए इसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये है स्प्रिंकल, यानी फव्वारे आते हैं पानी के और खेतों की सिंचाई होती रहती है। ये उन क्षेत्रों पर इस तरह की सिंचाई होती है क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी होती है। अब जानते हैं खाद जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है रासायनिक और एक होती है जैविक। जैविक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, नीम की खली खाद, बलमूत्र की खाद और केचुए से तैयार खाद, इस तरह की खादें हैं। और रासायनिक खादों में यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डीएपी है, डाई अमोनियम सल्फेट डीएपी और जिंक सल्फेट है और म्यूरेट और पोटास है। इनका प्रयोग जो है रासायनिक खादों के रूप में होता है। और खेत में कौन सी खाद डालना है उसका जांच कर देना चाहिए, किस चीज़ की कमी है। कीट पतंग और रोगों से बचाने के लिए आवश्यक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करते हैं लोग। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई, मड़ाई, ओसाई और या तो मजदूरों से किया जाता है या तो आधुनिक मशीनों से किया जाता है। अब देखते हैं परिवर्तन क्या है पहले से और आज। 1966 में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसका उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र वृद्धि करना था। ये आप देख रहे हैं प्राचीन खेतों की सिंचाई कैसे, जुताई कैसे होती थी और इस समय खेतों की जुताई कैसे होती है। ट्रैक्टर से होती है, पहले बैलों द्वारा होती थी। ये देखिए पहले लोग गोबर की खाद गड्ढे में डालते थे, ये भी डाला जा रहा है और इसमें और इसी से को सड़ जाने के बाद में बाहर निकाल के खेतों में डाला जाता था। लेकिन आज जो है रासायनिक खाद है जो बोरे में आती है, यूरिया है। पहले बीजों की बुआई लोग जो है खेतों में ऐसे करते थे, हाथ से करते थे बनाकर नाली, आज जो है मशीनों से किया जा रहा है। ऊपर बीज डालेंगे नीचे जो बीज आ जाएगा और बीजों की बुआई हो जाएगी। फसल की कटाई पहले जो है हाथ से लोग करते थे, अभी भी हो रही है जहाँ पर सुविधा नहीं है। और आज जो है मशीन से कटाई हो रही है। ये पिटाई हो रही है धान की और आज जो है इस प्रकार होती है।
Let us go for the recap. Today we have come to know about the types of crops sown during different seasons like Rabi, Kharif, Jayat, and what are those crops are sown in particular season that we came to know. And after that we understood the process how the crops are grown up with different methods, irrigation, then proper use of fertilizers, and after that harvesting, and afterwards we understood the methods, techniques which are being used today in compared to past. In irrigation we came to know that there were very difficult, laborious process, and today it has become very easy. Likewise, different processes like plowing, putting fertilizers, sowing, harvesting, these all processes have become simpler, simple today. But this is the this change has come. These changes have come due to technology. Thank you. Thank you for being with me. Thank you very much.